नमस्ते गाइस, राजेश शेफा नमस्ते टेक। और इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ एक स्टॉक वर्सेस गूगल कैमरा कंपैरिजन रेडमी K20 प्रो में। वैसे तो मैं रेडमी K20 प्रो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये जो रिजल्ट्स हैं ये आपका रेडमी K20 के लिए भी वैलिड होंगे, क्योंकि उसमें भी आपको एक सिमिलर कैमरा सेटअप मिलता है। और जो भी ISP रिलेटेड डिफरेंस है, उससे जो ओवरऑल इमेज क्वालिटी की डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले पर अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो स्टॉक वर्सेस गूगल कैमरा सैंपल्स दिखाने के पहले मैं आपको कुछ इश्यूज बता देता हूँ गूगल कैमरा यूज़ करने पे रेडमी K20 प्रो में। बेसिकली जो मॉडर्न गूगल कैमरा APK है वो आपकी ऑप्टिमाइज्ड है रेडमी K20 प्रो में। आपको जाके खुद से कोई सेटिंग्स नहीं चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इशू ये है कि जो मॉडर्न एप्लीकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ जो प्राइमरी 12 मेगापिक्सल का शूटर है उसे सपोर्ट करता है। जो अल्ट्रा वाइड एंगल और टेलीफोटो सेंसर आपको मिलते हैं रेडमी K20 सीरीज में, वो मॉडर्न गूगल कैमरा अभी तक सपोर्ट नहीं करता है। रेजोल्यूशन वाइज भी आप लिमिटेड होंगे 12 मेगापिक्सल की फोटोज तक ही। आप यहाँ पे आपको कोई डेडिकेटेड 48 मेगापिक्सल का मोड नहीं मिलेगा। जो डेडिकेटेड नाइट साइड मोड मिलता है आपको गूगल कैमरा में, वो आपका चलेगा रेडमी K20 में। लेकिन जो बाकी सारे मोड्स हैं, स्लो मोशन, वीडियो रिकॉर्डिंग और ये सब, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इन्हें ना ही यूज़ करें, क्योंकि ये थोड़ी बगी है। एक और इशू जो मैंने नोटिस की गूगल कैमरा से फोटोज लेते टाइम, वो ये कि कितनी बार मैंने फोटोज ले ली और जब मैंने बाद में गैलरी एप्लीकेशन खोला तो वो फोटो सेव ही नहीं हुए थे। ऐसा एक बार नहीं, 3-4 बार हो गया है, तो इस बात को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। कोई बग है एप्लीकेशन के साथ जो प्रोबेबली फ्यूचर अपडेट में ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए तो ये इशू जरूर है। अगर आप सोच रहे हैं कि गूगल कैमरा एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करना अपने रेडमी K20 फ़ोन में, तो स्टेप्स सिंपल ही है। आप बेसिकली जो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में मॉडर्न गूगल कैमरा APK का लिंक दिया है उसे डाउनलोड करें अपने फ़ोन में और इंस्टॉल कर लें। और कुछ नहीं करना है आपको, किसी भी तरह की सेटिंग्स से आपको प्ले अराउंड नहीं करना है। ये आउट ऑफ द बॉक्स इसमें सारे सेटिंग्स किए हुए हैं, तो आपको सिर्फ कैमरा एप्लीकेशन खोलना है और उससे फोटो खींचना स्टार्ट कर देना है। अब बढ़ते हैं कैमरा सैंपल्स की और देखते हैं कि स्टॉक और गूगल कैमरा से लिए गए फोटोज़ में कितना डिफरेंस है। आउटराइट आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो गूगल कैमरा से लिए गए फोटोज़ हैं उनमें डिटेल ज़्यादा है, लेकिन जो एक्सपोजर है वो आप कह सकते हैं कि 0.5 या 1 पॉइंट कम है, जो कि डिफ़ॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन है उससे। जो स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन है वो प्रिफर करता है ज़्यादा ब्राइटर फोटोज़ लेने की, जबकि जो गूगल कैमरा में फोटोज़ है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी आती हैं। इसका डिफरेंस जो है आपको प्राइमरीली लो लाइट में समझ में आएगा, जहाँ पे हो सकता है कि फर्स्ट ग्लांस में आपको स्टॉक कैमरा से लिए गए फोटो ज़्यादा पसंद आए, लेकिन अगर आप ठीक से देखेंगे तो गूगल कैमरा से लिए गए फोटोज़ में ज़्यादा डिटेल है। और ये एक ओवरऑल थीम है गूगल वर्सेस स्टॉक कैमरा के फोटोज़ में। गूगल कैमरा से लिए गए फोटोज़ में हमेशा आपको डिटेल्स ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको एक्सपोजर जो है उसे खुद ट्विक करना पड़े। और वहीं पे जो स्टॉक कैमरा है उसकी फोटोज हमेशा ब्राइट आती हैं, पर जो डिटेल्स हैं वो सैक्रिफाइस किए जाते हैं इस कारण से। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। ऐसा है तो हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।